भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि सलाहुद्दीन अजहर महमूद हो या हिजबुल, देश की एकता और अखंडता एवं संप्रभुता को चुनौती देने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वे कठुआ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ जो भी षड्यंत्र करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये जज्बा हिंद है। भारत इस समय दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस समय विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उभर चुके हैं। उनके जज्बे और लोहे को विश्व ने भी लोहा माना है। ऐसे में वे देश के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाने में सक्षम है। जम्मू रीजन जो है हमारा, जिसमें जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, रजौरी, पुंछ, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ जिले हैं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी प्रजा परिषद और जनसंघ के समय से ही मजबूत है। अब हमने कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को गति दी है, मजबूती दी है। आज जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। जम्मू कश्मीर की जनता ने यहाँ एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को पहले ही नकार दिया है और बड़ी मजबूती से बीजेपी यहाँ आगे बढ़ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जनता की भलाई के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, सब मिलकर एकजुट होकर आगामी चुनावों के लिए सभी कमर कसें और इस बड़े महाअभियान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार में आए, इसके लिए सभी कार्यकर्ता मिलकर इन महासम्मेलनों में संकल्प ले रहे हैं और आगामी संगठनात्मक कार्य विस्तार योजनाओं पर चर्चा हो रही है। अलकायदा और हिजबुल मुजाहिदीन के सलाहुद्दीन साहब, सलाहुद्दीन जो है वो गजबाए हिंद की बात करते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? सलाहुद्दीन हो, अजहर मसूद हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, इन्होंने पहले भी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जांबाज पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के हाथों मजा चखा है। जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने की साजिश करेगा, ऐसे देश दुश्मन ताकतों को मिट्टी में मिला के रख दिया जाएगा। ये गजबाए हिंद, ये ख्याली पुलाव, ये अजहर मसूद या शेख सलाहुद्दीन के जो हैं, ये इनके ख्याली पुलाव हैं। भारत दुनिया का ताकतवर देश है और कल ही जो सर्वे इंटरनेशनल लीडर्स के ऊपर हुआ है, श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पूरी दुनिया ने मोदी साहब का लोहा माना है, जलवा माना है। देश के खिलाफ जो कोई भी संगठन, ताकत, आतंकी साजिश करेगा उसे मिट्टी में मिला के रख दिया जाएगा। कांग्रेस के गिलानी जी की देहांत के बाद आप उनकी जो आवाज़ है फिर से बुलंद की जा रही है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? अलगाववादियों ने हमेशा कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया। अलगाववादी कश्मीर घाटी के दुश्मन हैं। इनके अपने बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन में जाके मौज मस्ती करते हैं। आम लोगों का जीना इन्होंने बेहाल और मुहाल किया है। इनकी हकीकत को और इनके काले कारनामों को जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इन्होंने मौत की दुकानें कश्मीर में खोल के रखी हैं, जिसके पीछे पाकिस्तान है।
इन षड्यंत्रकारियों की किसी भी षड्यंत्र को हम यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। थैंक यू। महबूबा मुफ्ती का कहना है, सर महबूबा मुफ्ती का कहना है दिल्ली और कश्मीर की दूरी बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहना? सुश्री महबूबा मुफ्ती साहिबा को खुद इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके की कार्यप्रणाली को अपनाकर काम कर रही हैं। जो नेता कभी तालिबान की बात करे, अलकायदा की बात करे, आतंकवादियों की और अलगाववादियों के समर्थन की बात करे, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं?